श्री वर्धमान स्थान कवासी जैन श्रावक संघ पेटलावद में संचालित अनुसंस्कार पाठशाला के बच्चों को जीव दया का पाठ पढ़ाने के उद्देश्य से स्थानीय गौशाला में सेवा के लिए ले जाया गया। बच्चों ने पाठशाला में मिलने वाली अणु डॉलर के पैसों से चारा खरीदकर 178 गौ माता और उनके वंशजों की बड़े उत्साह से सेवा की। सर्वप्रथम गौ माता को नवकार मंत्र का सामूहिक पाठ सुनाया। भगवान महावीर स्वामी और गुरुदेव उमेश मुनि महाराज के जय घोष के नारे भी लगाए। फिर बच्चों ने अपने हाथों से गौ माता को हरा चारा परोसा। पार्षद संजय चड़ोदिया और गांव की बेटियों ने नाम को गुप्त रखते हुए 45 से अधिक बच्चों और नवयुग मंडल के सदस्यों और सेवा देने वाले अन्य सभी उपस्थित लोगों को जलपान कराया। श्री आसाराम बापू आश्रम के प्रबंधक जीतू भाई ने सभी बच्चों को प्रभावना दी। गेम खेलने के लिए परिसर भी उपलब्ध करवाया और ठंडे पानी की व्यवस्था भी की। सेवा देने के लिए संचालिका श्रीमती मधु मेहता कुमारी, दीपांशी भंडारी, महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती आज़ाद भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बच्चों का यह सेवा कार्य श्री संघ और गाँव में प्रशंसा हुआ, चर्चा का विषय बना हुआ है। पाठशाला की बच्चियों अनुश्री और ऐशणा बरबेटा की दादी श्रीमती विमला देवी बरबेटा ने इस सेवा कार्य को देखते हुए गौशाला के लिए 5,100 की राशि गौ सेवा के लिए संस्था को समर्पित की। पेटलावद से गोपाल राठौर की रिपोर्ट।